सभी को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मि सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ तो एजुकेशन एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद हम लोग एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन या एपेक्स बॉडीज पर बात कर रहे हैं जिस क्रम में हम एनसीईआरटी और एस पर बात कर चुके हैं अब क्रम आता है नीपा का जो अब न्यूपा के नाम से जाना जाता है तो पहले ये क्या था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो जानते हैं कि ये कौन सी बॉडी है कैसे अस्तित्व में आई क्या इसका स्ट्रक्चर है और क्या इसका रोल है और क्यों हमको इसके बारे में जानना जरूरी है तो बात करते हैं नीपा की इट इज ए रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू डेली इंडिया इट वॉज सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये ध्यान देना होगा क्योंकि चूंकि पुराना मैटर है तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा फिर एमएचआरडी कहीं कहीं लिखा आएगा और अब हम लोग जानते हैं कि फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम फिर से ले लिया एम एच को ड्रॉप कर दिया तो ये आप समझेंगे बीच बीच में फिर हम अगर जाने जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी यहां लिखा है यहाँ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा जो है वो अब क्या हो गया है न्यूपा हो गया है तो जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कि अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ एशिया ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमने जब एनसीईआरटी पढ़ा तो एनसीईआरटी का लेना देना इंडिया से है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस uh, करता है एमओयूस करता है उनके संग बातचीत करता है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है लेकिन साउथ एशिया उसका कार्यक्षेत्र नहीं है जबकि नीपा का या न्यूपा का कार्यक्षेत्र साउथ एशिया तक है और इट इज़ एपिक्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज एक्टिवली इंगेज एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कि ये शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के लिए जो एपेक्स राष्ट्रीय संस्था है और एक्टिवली सब कामों में इंगेज रहती है और इसके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एमएचआरडी का जो मिनिस्टर होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो नीपा काउंसिल का चेयरमैन होता था तो अब क्या हो जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाला हो जाएगा देन एमिनेंट एकेडमिशियंस फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री सीनियर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मेंस ऑफ दैकल्टी ऑफ नीपा कॉम्प्राइजिंग ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्राम कमिटी टेंडर एडवाइस ऑन एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च मतलब की देश के विभिन्न संस्थानों के बहुत सारे एकदम जाने माने शिक्षाविद सीनियर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर इसके जो है वो सदस्य होते हैं और एडवाइस देते हैं हमको एकेडमिक प्रोग्राम ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया यूनेस्को हो गया सीओएल लिखा है सीओएल क्या है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग एटसेट्रा आल्सो टेक असिस्टेंस यानी कि न्यूपा इनको असिस्टेंस देती है ये न्यूपा से असिस्टेंस नहीं लेते हैं तो ये बात मतलब इसका कद बहुत ऊंचा है देन द यूनिवर्सिटी इज fully involved in the capacity building and research in planning and management of education in not only India but also in South Asia. ये बात हम लोग पहले भी जान चुके और अब ये 2000 अगस्त 2006 में ये deemed to be university बन गया जो कि पहले national institution था तो जब deemed to be university बन गया तो क्या कर पाएगा कि this दस यूनिवर्सिटी इज नाउ फुल्ली ऑथोराइज टू कंडक्ट इट्स ओन एग्जामिनेशन एंड गिव डिग्रीज तो यानी कि ये अब अपने एग्जामिनेशन करा सकता है अपनी डिग्री दे सकता है तो ये फायदा हुआ इसका यूनिवर्सिटी बनने से तो अब जानते हैं कि कैसे जेनेसिस मतलब उत, कैसे कहां से शुरू हुआ और कैसे इसने न्यूपा का आकार लिया तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी उन्नीस 1962 1962 से शुरुआत होगी जबकि कि यूनेस्को कि ने किया था एक एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुपरवाइजर्स विद इट्स एडमिनिस्ट्रेटरक्लेचर चेंजिंग टू एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन नाइनटीन तो हमसे अगर हम हमसे सवाल पूछा जाएगा या हमको अपनी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि उन्नीस में यूनेस्को ने बनाया एक एशियन रीजनल सेंटर अब आप समझ सकते हैं कि क्यों साउथ एशिया को कवर करता है, इसके में आता है क्योंकि ने जब इसको बनाया इसका काम ही था एशियन <coughs> एशिया का इंस्टीट्यूट बनेगा बाद में इसका नाम बदल के नेशनल कर दिया गया है इसलिए फिर ये लेटर मर्ज कर दिया गया इसको मिला दिया गया किसमें मिला दिया गया नेशनल स्टाफ कॉलेज में और किसका स्टाफ कॉलेज था एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज इट एशियन यानी कि पहले 1962 में यूनेस्को इसको सौ करता है 1965 में इसका नॉमिथ्लेचर चेंज होता है और उन्नीस में ये नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स से मर्ज हो जा रहा है देन सबसिक्वेंटली विद इंक्रीजिंग रोल्स एंड फंक्शन नेशनल स्टाफ कॉलेज particularly in capacity building research and professional support services to the state governments it was rechristened as the national institute of educational planning and administration in 1979 yani ki 1973 mein ye national staff college se milta hai aur jab iska kaam badh ja raha hai role badh ja rahe hain bahut sara फंक्शनिंग इसकी बढ़िया बड़ी बेहतर हो जा रही है बहुत विशद हो जा रही है तो उन्नीस में इसको नीपा नाम दे दिया गया Then फिर क्या हुआ इन रिकॉग्निशन ऑफ दाइनियर पाइनियरिंग वर्क डन ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इसका बढ़िया काम देखते हुए बना देंगे और अगस्त दो हजार छह में अंडर दिन थ्री ऑफ दू जी एक्ट उन्नीस इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया और लाइक एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेंटेन बाई दब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली मेंटेन है और अब ये क्या कहला क्या कहलाएगी न्यूपा कहलाएगी तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का है बस दोनों एक ही चीजें हैं बस नीपा से 1900 सॉरी 2006 में ये न्यूपा हो जा रहा है और न्यूपा होते ही जब यूनिवर्सिटी हो जा रहा है तो वो अपनी एग्जामिनेशन करा सकता है अपनी डिग्री दे सकता है ये एक बेसिक अंतर आया है फिर इसको अगर हम क्रम में देखना चाहें वाइज सठ में क्या था यूनेस्को रीजनल सेंटर फिर 1965 में क्या हुआ एपा हो गया 1973 में मर्जर हो गया नेशनल स्टाफ कॉलेज के संग उन्नीस में नीपा हुआ और 2006 में न्यूपा हुआ हम्म आपके क्विक रिवीजन के लिए देन इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग एजुकेशनल फाइनेंस स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल पॉलिसी हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशन इतने डिपार्टमेंट्स चलते हैं इसमें और दो सेंटर भी हैं इसके पास जो कि बेटर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को डील करते हैं जिसमें से क्या है पहला सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन और दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप ओके okay, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स इसके पास हैं ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं इसमें से कुछ ही मैं यहाँ पे आपके डिस्कस कर रही बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि कि इसका अधिकार क्षेत्र बड़ा है, and and शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में जितने भी प्री सर्विस और इन सर्विस होते हैं प्रोग्राम उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और ओवरसीज़ भी एडमिनिस्ट्रेशन और एलाइट डिसिप्लिन के लिए कोऑर्डिनेट करना प्रमोट करना एड करना और अंडरटेक करना रिसर्च को फिर प्रशासन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एकेडमिक और प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना एम फिल पी एच डी पोस्ट पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम्स और अवार्ड डिग्रीज क्योंकि अब ये यूनिवर्सिटी हो गया है तो ये सारे सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं इसके उद्देश्य हैं मतलब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये बनाया गया है और क्या करना <coughs> सॉरी उस ऑफ आइडियाज एंड इनफॉर्मेशन ऑन रिसर्च ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड अदर प्रोग्राम्स इसके अलावा पब्लिश कराना क्या पब्लिश कराता है पेपर पीरियॉडिकल्स कई सारी बुक्स निकलती हैं जर्नल भी निकलता है नीपा का जो की अब नीपा है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी एजुकेशनल पर्सनल हैं उनके लिए वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस मीटिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना हम लोग जानते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में सेमिनार क्या हो गया है वेबिनार का रूप ले लिया उसने और ऑन <coughs> रिक्वेस्ट अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं इंडिया में भी और एब्रॉड में भी अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो न्यूपा है वो एट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स और वन सेंटर चलता है विद वाइस चांसलर के संग एज चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूपा गवर्निंग काउंसिल इज हेडेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो जाएगा एंड इट हैज ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एकेडमिक काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज टू सॉरी अगर हम इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखें तो देखिए न्यूपा काउंसिल है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चांसलर फिर वाइस चांसलर फिर आ जाता है आपका डीन ऑफ फैकल्टी और रजिस्ट्रार डीनो फैकल्टी में सेंटर्स देखिए दो सेंटर की जो बात की गई थी सॉरी वो दो सेंटर हैं चेयर्स एंड फेलोज हैं इसके डिपार्टमेंट्स इतने सारे सपोर्ट सिस्टम लाइब्रेरी है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है कैसे होगा इतना बड़ा काम है ना तो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है कंप्यूटर सेंटर है पब्लिकेशन यूनिट है ट्रेनिंग सेल है <laughs> फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन उसी तरह से फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी है तो ये एक इतना मतलब इतनी बड़ी बॉडी जिसको इतना सब कुछ इंडिया में अब्रॉड में बातचीत करनी है ऑर्गेनाइज करना है काउंसिलिंग प्रदान करनी है तो इतना बड़ा इनका सेटअप है और इस तरीके की इसकी हाइरात होती है देन अगर इसके रोल एंड फंक्शन की बात की जाए तो ये टीचिंग रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज में इन्वॉल्व है ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है रिसर्च एजेंडा और के और रिसर्च के लिए रिसर्च एजेंडा को लेते हुए प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च और हमको ध्यान देना होगा कि क्षेत्र हमेशा इसका एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा और ह्यूमन रिसोर्स को स्पेशलाइज डेवलपिंग स्पेशलाइज ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल डेवलपमेंट को एसेस करना और एनालाइज करना टेक्निकल सपोर्ट एक्सेट्रा प्रोवाइड करना तो ये सारे जो इसके टास्क हैं वो सब कुछ नीपा या अब न्यूपा प्रोवाइड कराती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कब कैसे चूंकि यूनेस्को ने इसको बनाया पहले एशियन करके इसका नाम था इसीलिए नॉट ओनली इन इंडिया बट इन साउथ एशिया तक के कार्यक्रमों को डील करती है तो हम लोगों ने आज एक और बॉडी कवर कर ली वो क्या है तो हमारा एनसीईआरटी हो गया एससीईआरटी हो गया और आज हमने न्यूपा को भी कवर कर लिया तो तीन एजेंसीज टीचर एजुकेशन या नेशनल एपेक्स बॉडीज आप कह सकते हैं कि आप उनसे उनके जानकार हो गए तो दैट्स ऑल अ क्विक रिव्यू अबाउट न्यूपा डन फ्रॉम माई साइड